दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। छोटी उम्र में बाल सफेद होना कैसे रोकें? दोस्तों 40-50 साल की उम्र से बालों का सफेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि पहले के समय में तो लोग और भी लंबे वक्त तक काले बालों के साथ ही रहते थे और उनके बाल सफेद नहीं होते थे, लेकिन अब 20 साल के बच्चों के बाल भी सफेद हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, क्यों कम उम्र में लोगों को बालों की सफेदी का सामना करना पड़ रहा है। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति बालों के सफेद होने के पीछे का कारण भी बताऊंगा और इसे कैसे रोका जा सकता है ये भी बताऊंगा। बस मेरे साथ इस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हमारे बालों की जड़ और त्वचा में एक स्पेशल तरह का सैंड होता है जिसे मेलानोसाइट कहते हैं। ये हमारी त्वचा और बालों में काला रंग बनाते हैं। हमारे जीन्स ये बात को तय करते हैं कि हमारी त्वचा और बाल कितना काला रंग बना सकते हैं। जिनकी त्वचा में ज्यादा रंग बनता है उनका रंग सांवला होता है और जिनकी त्वचा में कम रंग बनता है उनका रंग गोरा होता है। और ठीक ऐसे ही बालों के साथ भी होता है। ये रंग बनाने वाले सेल्स बहुत ही नाजुक होते हैं। जरा सी दिक्कत आने पर इन्हें रंग बनाने में रुकावट का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से बाल सफेद होने लगते हैं। अब जैसे कि किसी भी तरह का तनाव या फिर टेंशन लेने से बाल सफेद होते हैं। जब लोग लंबी बीमारी में पड़े रहते हैं तो वो तरह तरह की दवाइयां खाते हैं और उसकी वजह से उनके बालों का रंग सफेद होने लगता है, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया का बुखार, डायबिटीज, अस्थमा, किडनी और लीवर की बीमारियों के होने पर हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे बालों के सफेद होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारे जीन्स आते हैं। जिस किसी के भी पूरे घराने में सब लोगों के बाल जल्दी सफेद होते हैं वहां पर उनके बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे। दूसरा कारण ये है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 और विटामिन B5 की कमी से जल्दी बाल सफेद होने लगते हैं। शरीर के अंदर खून की कमी होने से भी बालों में जल्दी सफेदी आ जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है तब भी बालों में सफेदी देखने को मिलती है और ये सब कुछ अक्सर तनाव पूर्वक स्थिति में होता है, क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होने लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बालों में सफेदी आ जाती है। थायराइड या फिर ग्रोथ हार्मोन का शरीर में कम ज्यादा होना, जो कि आजकल जवान लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, महिलाओं में प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के समय से जब हार्मोन्स कम ज्यादा हो जाते हैं तो उनके बाल सफेद होने लगते हैं। जहां लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कॉफी, शराब, सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करने लगे हैं। और बालों के सफेद होने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, शरीर में कैल्शियम की कमी से भी बाल सफेद हो सकते हैं। और अगर आप किसी प्रकार की डाई का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे भी बाल सफेद हो सकते हैं। अधिक देर तक धूप में काम करने की वजह से भी बालों में सफेदी देखी जाती है। तभी तो लोग अक्सर ये मिसाल देते हैं कि हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, और केवल धूप ही नहीं बल्कि मिट्टी व गंदगी वाली जगह पर भी रहने से बालों में सफेदी आ जाती है। और अगर आप किसी दूसरे की कंघी का इस्तेमाल करते हैं या फिर केमिकल से भरे शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा लंबे समय तक मोबाइल फोन और लैपटॉप देखने में भी लगे रहते हैं तो भी आपके बाल सफेद हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप इनमें से कोई भी चीज ज्यादा देर तक करते हैं तो अभी सावधान हो जाइए, खास करके वो लोग जिनके जेनेटिक्स में बालों का सफेद होना है। एक बार अगर बाल सफेद हो गए तो उनका वापस से काला होना आसान नहीं होता। फिर भी कुछ ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं जिनसे बालों का सफेद होना रुक सकता है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको हमेशा के लिए अपना सिर साफ रखना है। जिसके छोटे बाल हैं वो रोजाना अपना सिर अच्छे शैम्पू से धो लें, और जिसके बाल लंबे हैं वो एक दिन छोड़कर अपना सिर अच्छे से और बिना केमिकल वाले शैम्पू से धो लें और बालों को बिल्कुल साफ रखें। प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन करें, घर का खाना ज्यादा खाएं, जंक फूड और शक्कर या तेल वाली चीजें कम खाइए। खाने में ज्यादा नमक खाने से भी बाल सफेद हो जाते हैं, इसलिए नमक का भी इस्तेमाल कम कीजिए। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीजिए ताकि शरीर में जमा गंदगी बाहर निकल सके।
शराब सिगरेट और कॉफी जैसी चीजों का सेवन तो करना ही नहीं है। रोज खुली हवा में टहलिए और एक्सरसाइज कीजिए। तनाव की स्थिति में मत रहिए। एक्सरसाइज करने से शरीर में खून का बहाव बढ़ता है, जिससे न केवल त्वचा में जमी गंदगी साफ होती है बल्कि बालों की जड़ों में भी पोषण अच्छी तरह से पहुंचता है। मल्टीविटामिन टैबलेट्स जिसमें आयरन, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम भी हो, इन्हें 2-3 महीने आप लगातार लेते रहेंगे तो बालों का सफेद होना रुक सकता है। इस कोर्स को आप हर साल एक बार जरूर कीजिए। विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स की गोली भी 2-3 महीने तक खाने में फायदा होता है, क्योंकि विटामिन B12 सिर्फ अंडे, मछली, दूध, मक्खन जैसी चीजों में पाया जाता है। फल और सब्जियों में ये विटामिन नहीं पाया जाता, इसलिए यदि आप विटामिन B12 की एक गोली हफ्ते में 2 बार लेंगे तो उससे जो शाकाहारी लोग हैं उनके बालों के सफेद होने में रुकावट देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों, इन सभी चीजों के साथ साथ आप कुछ घरेलू उपाय भी अपने बालों को सफेद होने से रोक सकते हैं, जैसे कि 3 चम्मच नारियल का तेल हल्का सा गर्म कर लें और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला दें और फिर उसे पूरे सिर में हल्के हल्के मालिश कीजिए। 30 मिनट के बाद गुनगुने पानी से अच्छी तरह बालों को धो लें और फिर शैम्पू कर लें। ये चीज हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो नारियल के तेल और नींबू की जो पौष्टिकता है वो आपके बालों में पहुंच जाएगी, क्योंकि नींबू के रस में विटामिन सी होता है, वो भी बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। या फिर देसी घी को भी हल्का सा गर्म करके रोजाना सिर की मालिश कर सकते हैं, इससे भी आपके बाल काले रहेंगे। हालांकि उसे बाद में शैम्पू से आप धो लें और फिर चाहे तो घी को 1 दिन के लिए अपने बालों में रहने दें। उम्मीद है आपको वीडियो काफी लाभदायक लगा होगा। अब आप वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।